हेलो गाइस, सत्य राम राम सलाम, कैसे हैं आप सब? हो तो सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज भी हमारा वीडियो रिव्यू वीडियो होने वाला है और आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं पहले उससे हम देख लेते हैं। तो उसका नाम है जिसका हम आज रिव्यू करने वाले हैं, बिग मसल का प्रोटीन प्योरली वे। आपको यहाँ पे अगर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे आपको स्क्रीन में भी सारी चीजें डिटेल्स स्क्रीन में आपको बता रहा हूँ, ये आपको यहाँ समझ में आ जाएगी, देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो बहुत नॉलेज होने वाला है और वीडियो में आपको डाउट्स क्लियर हो जाएगी आपके कि आपको ये बाय करना चाहिए नहीं, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। सो गाइज चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिग मसल का प्योरली वे, ठीक है? आपको स्क्रीन में भी दिख जाएगी सारी चीजें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिग मसल का प्योरली वे। ये आपको मिल जाता है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, आराम से मिल जाएगा ये आपको 1150-1200 रुपए में अनफ्लेवर्ड, ठीक है? जिसमें कंपनी आपको बताती है, कंपनी आपको बोलती है कि इसमें आपको मिल जाएगा 25 ग्राम ऑफ हाई क्वालिटी वे प्रोटीन फॉर मसल ग्रोथ विद एडिड एंजाइम। ये आपको इसमें कंपनी मेंशन कर रही है इसके रैपर में। उसके बाद में बिल्ड लीन मसल के लिए आपको ये काफी हेल्प करेगा, लीन मसल को बिल्ड करने के लिए आपकी स्ट्रेंथ को प्रोवाइड, स्ट्रेंथ भी आपको ये अच्छी खासी दे देगा, ठीक है? कंपनी ऐसा कहती है। और इसमें आपको मिल जाता है 5.5 BCAA मिल जाता है, 12.2 आपको EAA मिल जाता है, 4 mg आपको, ठीक है, 4 ग्राम आपको ग्लूटामाइन मिल जाता है, 0 sugar, 3 gluten-free। तो ये सारा कुछ कंपनी ने इसमें फ्रंट में मेंशन किया हुआ है, ठीक है? अनफ्लेवर्ड है, ठीक है? मैं इसको पिछले 10 days से यूज कर रहा हूँ तो मैं इसको आपको रिव्यू देने वाला हूँ कि पर्सनली ये कैसा मुझे लगा, ठीक है? तो ये तो इसका ये वाली हो गई। उसके बाद जो कंपनी ने पीछे इसमें मेंशन किया हुआ है वो हम बात कर लेते हैं, ठीक है? तो कंपनी ये आपको देता है 30 स्कूप देता है, 1 स्कूप इसका 33 ग्राम का, ठीक है? उसके बाद में आपको इसमें मिल जाता है 25 ग्राम प्रोटीन जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद में इसमें जो फैट है गाइस वो 12 है, ठीक है? 12 फैट मिल जाता है आपको, उसमें कैलोरीज मिल जाती है 132, ठीक है? उसके बाद में इसको इसमें आपको टोटल फैट नीचे और लिखा हुआ है, कैलोरी ऑफ फैट इसमें 12 है, ठीक है? सॉरी माजरा चाहूंगा, उसके बाद में टोटल फैट है वो 1.5 ग्राम, ठीक है? उसके बाद में सैचुरेटेड फैट 0.5 है, ठीक है? ट्रांस फैट इसमें 0 है, ठीक है? टोटल कार्बोहाइड्रेट 5 है, ठीक है? और इसमें जो अपने शुगर है वो 0 है, ठीक है? एडिड एंजाइम जो इसमें ऐड किया गया है वो 40 mg। तो गाइस ये कंपनी इसमें मेंशन कर रही है। उसके बाद में इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड और एसेंशियल नॉन एसेंशियल ये सारा कुछ भी इसमें है जो आपको स्क्रीन में यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है? एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो गाइस ये तो हो गया हमारा बिग मसल का जो प्रोटीन है इसके बारे में कि ये एक्चुअल में क्या है। अब बात कर लेते हैं कि इसे आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए और इसका 10 days का मेरा एक्सपीरियंस। सो गाइस ये जैसे कि अनफ्लेवर्ड है, पिछले 10 days से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फ्लेवर की। तो गाइस जो इसका फ्लेवर है, मैंने काफी सारे अनफ्लेवर्ड प्रोटीन यूज किए हैं जिसका टेस्ट मुझे कुछ खासा नहीं लगा, लेकिन पर्सनली इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। ये अनफ्लेवर्ड है, उसके बाद भी इसका टेस्ट अच्छा है। ये अनफ्लेवर्ड है लेकिन इसको पीने के बाद में ऐसा नहीं लगता जैसे मैंने अदर प्रोटीन भी पिए हैं, जैसे एसिड इसका मैंने पिया हुआ है तो उसका भी टेस्ट ऐसा लगता है जैसे कि आप दूध पाउडर पी रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। मुझे थोड़ा सा अलग लगा क्योंकि वो पिलाता नहीं है यार, ऐसा लगता दूध पाउडर घुल के पी रहे हैं, बट ये मुझे वैसा नहीं लगा। और उसमें तो मैं और क्रिएटिन मिक्स करके पी रहा हूँ, आपको तो पता है क्रिएटिन का टेस्ट कितना खतरनाक रहता है अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन का मोनोहाइड्रेट, तो गाइस मैं वो मिक्स करके ले रहा हूँ तो इसका टेस्ट बिल फिर भी बहुत अच्छा रहता है। तो मुझे ये टेस्ट के मामले में बहुत अच्छा लगा। सो 5/5 मैं इसको 5 मार्क दूंगा, 5 में से बहुत अच्छा इसका आपका फ्लेवर। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसको मिक्सिबिलिटी कैसी है इसकी, ठीक है? तो मिक्सिबिलिटी जो है गाइस वो मुझे इसमें बिल्कुल सही नहीं लगी, मिक्सिबिलिटी बिल्कुल ही सही नहीं है, ठीक है? मिक्स में इसको जब करता हूं तो बहुत ज्यादा झाग बन जाता है इसमें, जिससे पीने में इसको प्रॉब्लम होती है, ठीक है? तो मिक्सिबिलिटी में तो भाई बहुत बेकार है। कंपनी को मैं बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा इस पर कुछ करें, मिक्सिबिलिटी जब मिक्स जब करते हैं तो बहुत झाग बन जाता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम। मैं आपको दिखा भी देता, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब इसका मैं रिव्यू करूंगा, ठीक है, या फिर इसके कोई प्रोडक्ट का तो मैं उसका आपको उसमें मिक्स करके भी बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या रिजल्ट आ रहा है। तो मिक्सिबिलिटी में इसको मैं बिल्कुल भी नहीं 0 मार्क दूंगा, मिक्स इसका सही नहीं होता, ठीक है? उसके बाद बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो इसका जो प्राइस है गाइस वो ठीक है, ओके 1100-1200 रुपए में क्या ही मिलेगा यार, ठीक है? कंपनी आपको बोल रही है 1100-1200 रुपए में क्या ही मिलेगा। तो मिक्सिबिलिटी के मामले में तो मैंने आपको बता दिया, फ्लेवर बता दिया, प्राइस भी इसका ठीक है। इसका जो प्राइस कंपनी ने डिसाइड किया है वो प्राइस और जो इसमें इंग्रेडिएंट्स शो कर रही है कंपनी इसमें,
तो प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस ओके है, क्योंकि भाई 1100 रुपए में क्या ही मिलेगा यार, तो प्राइस इसका ओके, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस में बिल्कुल ठीक है ओके। सो गाइस अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया ठीक है। आप इसे चाहें तो अमेजोन फ्लिपकार्ट में आपको आराम से मिल जाता है ठीक है, आप वहां से जाकर इसको बाय कर सकते हैं। तो अगर गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें, तो होगा क्या जब भी हम बनाए वीडियो बनाएंगे तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।